कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्विक, खाने में बहुत ही लजीज और सिर्फ 3 मिनट में बनने वाली, वो भी सिर्फ 2 चीजों से बहुत ही टेस्टी मिठाई। दिवाली आने वाली है, हम सब बहुत बिजी हैं और टाइम है बहुत कम और हमें बनानी है बहुत सी मिठाई, तो मेरी रेसिपी से आप फटाफट बहुत ही टेस्टी मिठाइयां बना सकते हैं। आज जो मिठाई मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है दिल खुश नारियल लड्डू। दिल खुश नारियल लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप सूखे नारियल को कद्दूकस कर लें और कद्दूकस करके इस तरीके से आप बुरादा तैयार कर लें, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो ये मैंने लिया है 1 कप लगभग 250 ग्राम। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ घी लिया है। ये मैंने लिया है होममेड कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क हमें चाहिए होगा लगभग 1/4 कप, 1/4 कप, बहुत ही सिर्फ उतना जितना हम इसमें कोकोनट को रैप कर सकें और इसका एक डो बना सकें। और होममेड कोकोनट कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी आप मेरे चैनल कुक विद पारुल पर देख सकते हैं। बहुत ही आसान बनाने में, सिर्फ बहुत ही कम सामान से 2 चीजों से ये घर में ही बन जाता है। और एक बार बनाइए, 1 महीने तक आप इसे यूज कर सकते हैं। कोई भी मिठाई हो, आइसक्रीम हो, खीर हो, सब में ये यूज होता है। और ये मैंने लिया है लगभग पिंच के करीब लेमन येलो कलर। ये फूड कलर है लेमन येलो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको कलरफुल बनाने हैं तो आप थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप व्हाइट भी बना सकते हैं। 2-3 ड्रॉप्स हमें चाहिए होगा रोज वाटर यानी गुलाब जल, जो बाजार में टावर का मिल जाता है। मैं यहाँ ये ले रही हूँ। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर केसर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेन दो चीजें हैं वो है 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क और 1 कप नारियल का बुरादा। सबसे पहले गैस पर हम पैन चढ़ाएंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क। 1/4 कप हो गया लगभग 4 चम्मच, 4 टेबल स्पून। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून देसी घी। आप यहाँ किसी भी तरीके का ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो के बीच में रखेंगे। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मैंने ये 10 सेकंड के लिए बस इस तरीके से हमें मिक्स करना है। और अब इसमें हम डाल देंगे नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान बनाने में, सबसे अच्छी बात इस मिठाई को बनाने में, ना हमें किसी मावे की जरूरत है, ना चाशनी बनाने की जरूरत है और ना ही किसी भी तरीके के ड्राई फ्रूट्स की, और खाने में सबको टक्कर देने वाली इतनी बढ़िया मिठाई। और अब मैं इसमें मिक्स करूंगी थोड़ा सा फूड कलर। यहाँ मैं लेमन येलो फूड कलर ले रही हूँ। आप अपने मन का कोई भी कलर भी डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, इसको व्हाइट भी बना सकते हैं आप। और इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पर फूड कलर और सभी चीजों को मिक्स करेंगे। अच्छा, सबसे अच्छा फायदा कंडेंस्ड मिल्क का ये होता है, कंडेंस्ड मिल्क यानी वही जो नेस्ले के मिल्कमेड मिलता है या अमूल का आजकल मिठाई मैट मिलता है, आप सस्ते में घर में ही बना सकते हैं। बस आपको एक ही चीज बाजार से खरीदनी होगी, वो है मिल्क पाउडर कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए। एक बार आप पतंजलि का या अमूल का या एवरीडे का किसी का भी मिल्क पाउडर एक खरीद लीजिए और उससे फिर आप कंडेंस्ड मिल्क बनाइए। मिठाइयां भी डायरेक्टली बन जाती हैं मिल्क पाउडर से, क्योंकि दिवाली पे मिठाइयां मिलती हैं बहुत मिलावटी बाजार में, और अगर आप मावा भी खरीदते हैं तो वो भी बहुत मिलावटी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कंडेंस्ड मिल्क बना लें और मन चाहे जल्दी जल्दी खूब सारी मिठाइयां बना सकते हैं। पहले भी मैं आपके साथ कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी भी शेयर की है और मिठाइयां भी। सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट इस तरीके से मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना होगा हल्का सा। तो लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं
मैं गैस को ऑफ करके इसको बिल्कुल ठंडा कर लेती हूँ। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब इसमें हम डालेंगे गुलाब जल यानी रोज वाटर और उसके बाद फिर हम लड्डू बनाएंगे। तो अब ये हो गया है मिक्स बिल्कुल ठंडा। अब इसमें हम डाल देते हैं, आप चाहें तो केसर के स्ट्रैंड्स डाल दें या फिर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ गुलाब जल डाल रही हूँ, रोज वाटर बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें और फिर हम जब इसे ठंडा ठंडा खाते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 ड्रॉप्स गुलाब जल की और अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स हाथ से। तो चलिए अब बनाते हैं इसके बॉल्स यानी कि लड्डू। ये लेंगे हम नींबू के साइज का छोटा हिस्सा और गोल इसकी चिकनी बॉल तैयार करेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये मैंने लिया है प्लेट में सूखा नारियल, इसमें इसको मैं कर देती हूँ रैप। फिर देखिए इसको कितना सुंदर ये हो जाएगा, जो देखेगा उसके मुंह में पानी आ जाएगा इस तरीके से। और इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना बढ़िया मिठाई। फटाफट तैयार होने वाली, बहुत ही कम सामान से, कोई मिलावट नहीं, आपकी अपनी होममेड। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू तैयार कर लेती हूँ। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है ये लड्डू, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और बड़ों को तो अच्छे लगेंगे ही। तो ये लीजिए आपके दिल खुश नारियल लड्डू इंस्टेंट बनके बिल्कुल तैयार। अब आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसको रख लीजिए फ्रिज में और आराम से आप 3-4 दिन तक इसको बिल्कुल चला सकते हैं। इसमें कुछ खराब नहीं होगा और जैसा कि आपने देखा कितनी आसानी से सिर्फ 2 ही चीजों से ये तुरंत बन जाते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।